सफाई अभियान काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है और कुछ सीन इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के रविदास घाट पर। और रविदास घाट पर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं। गंगा विलास एक क्रूज है, उसका एक तरह से दिखाए तो हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि दिखाया तो अपने काशी से लेके वह जो क्रूज है बांग्लादेश होते हुए असम के लिए जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रविदास घाट के नज़ारे और पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, क्रूज के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे, ये अभी मैं रविदास घाट पर हूँ और सामने देख रहे हैं वो जो क्रूज है वो है MB स्वामी विवेकानंद, ये दोनों एक ही नाम का है क्रूज, ठीक है। तो ये भी जितने भी क्रूज हैं ये आपका शाम के समय ही चलता है। और वो जो जिस मैं क्रूज के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है गंगा विलास। जो गंगा विलास जो क्रूज आएगा वो भी आएगा इसी घाट पर, रविदास घाट पर ही, और मोदी जी भी आएंगे रविदास घाट पर ही और इसी घाट से हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक है। और उस साइड सामने देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो क्रूज है ये है अलकनंदा, ये देख रहे हैं ना अलकनंदा है, और आगे जाने के बाद वो है भागीरथी। तो आगे से भी मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल दिखाया तो काफ़ी चर्चा में इस समय दिखाया तो अपने वाराणसी का इस समय रविदास घाट है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला एक क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, काफ़ी VIP वह क्रूज है। ये देखिए यहाँ पर टेंट सिटी का प्रचार किया गया है, ये देख रहे हैं ना विज्ञापन लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए बुकिंग के लिए भी नंबर भी दिया गया है, ये देख रहे हैं ना वेबसाइट भी है। चलिए चलते हैं। फिलहाल देखिए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स की कुछ टीमें जो हैं वो पहले से ही इस घाट पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर देखिए तंबू भी लगाया जा रहा है काफ़ी तेज़ी गति से, और इस साइड देखिए टेंट सिटी का प्रचार किया गया है, ये देख रहे हैं ना बहुत ही लग्जरी पूरा टेंट सिटी ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं इसी प्रकार अभी तो बन रहा है, लगभग बनकर तैयार हो गया होगा, तो इसी प्रकार देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं बता रहा था यहाँ पर देखिए नंबर भी है, ये देखिए इसी घाट पर आएगा आपका गंगा विलास और यहाँ से मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये अपने वाराणसी से होते हुए बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ये जो सफ़र रहेगा ये लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। और देखा है तो ये दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है, देख रहे हैं ना यहाँ पर अभी तंबू डेरा जो है उसे लगाया जा रहा है पुलिस फोर्स की टीम, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस साइड रविदास पार्क है, देख रहे हैं इस घाट पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, क्योंकि तो यहीं पर आएंगे मोदी जी, ये देखिए यहाँ पर हो सकता है कि जनसभा हो, ये देख रहे हैं ना, तो इसलिए स्टेज लगाया जा रहा है, ये तंबू भी लग गया है। और फिलहाल देखा है तो देखिए मोदी जी आने वाले, तो इसी वजह से भी घाट का सफाई तो देखिए धीरे धीरे चल ही रहा था, ठीक है, तो बीच में फिर रुक गया था, तो उसके बाद जब मोदी जी जब आने वाले हैं तो इसलिए देख रहे हैं फिर से काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, यानी कि जो मिट्टी बालू का जो ढेर था इसे हटाया जा रहा है, देखिए उस साइड भी लगे हुए हैं कुछ लोग और इस साइड भी लगे हुए हैं। देख रहे हैं ना इस साइड भी पूरा कचरा जो है उसे साफ किया जा रहा है, और देखिए उसी प्रकार आगे भी हैं, ये जितने भी देख रहे हैं पूरा पंप के प्रेशर से जो मिट्टी बालू का जो ढेर है उसे साफ किया जा रहा है, और वो है भागीरथी जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये देख रहे हैं ना। चलिए लेकर चलते हैं ऊपर, ऊपर से कुछ सीन दिखाते हैं और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
और देखिए साथ ही उस दिन हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम भी योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं 13 जनवरी को। देख रहे हैं इस समय कोई कार चल रहा है। अरे क्या बना रहे फिलहाल आप लोग? हाँ नहीं, ये जो घेर रहे हैं कुछ बनाएंगे क्या? इसको क्या बन रहा है? ये ठीक है, देख रहे हैं काम लगा हुआ है। और इस साइड देखिए रविदास पार्क है, जैसा कि मैं बता रहा था। देखिए रविदास घाट आने के लिए दो रास्ते हैं, एक आगे से भी रास्ता था यानी कि जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस साइड से भी, और एक इस साइड से भी आगे से भी। आगे जाने के बाद 80 नदी है, ये देखिए इस साइड है 80 नदी। और दोस्तों आपको बता दें, देख रहे होंगे जो कि निशान इसमें फिलहाल जो पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं बाढ़ के समय पूरा इतना लेवल तक पूरा पानी था, ये देख रहे हैं पूरा निशान पड़ा हुआ है। ये देखिए ये है भागीरथी, ये भी देखिए ना, ये भी शाम को आपको गंगा नदी में तैरते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये शाम के समय दिखाया। तो शाम के समय अपने वाराणसी के घाट पर 80 घाट हो गया आपका, दशा समेत घाट हो गया, उस समय आरती भी होता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये पूरा आपका जाएगा खिड़किया घाट, खिड़किया घाट से पूरा वापस आ जाएगा। और सामने देख रहे होंगे जो कि एक फ्लोटिंग जेटी है, और सफाई अभियान काफ़ी तेज़ी गति से चल रहा है। और कुछ सीन इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं फिलहाल दिखाया तो स्टेज बनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।